आज हम एक वीगार्ड कंपनी का गीजर रिपेयर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इसको चेक करेंगे सीरीज लाइन देके। पूरा डेड कंडीशन है। चलो हम इसको खोल के देखेंगे अंदर। इसमें भी दो थर्मोस्टार है, एक आपका रेगुलेटर वाला थर्मोस्टार है और एक ओवर हीटिंग थर्मोस्टार है। देखेंगे कौन सा चीज़ खराब हुआ, थर्मोस्टार या इसका हीटर एलिमेंट। हम आपको इसको पूरा वायरिंग जो है पूरा खोल लेंगे पहले, उसके बाद आपको समझाएंगे। और बीच में हम इसका ड्राइंग करके भी आपको दिखा देंगे कि इसका वायरिंग कैसे होता है। देखो ये इंडिकेटर का एक लाइन है, ठीक है, और ये वाला एक इंडिकेटर का एक लाइन है। दो इंडिकेटर है इसका, एक पावर का लिए और एक ऑटो कट के लिए। ये आपका रेगुलेटर वाला थर्मोस्टेट जो होता है कम ज़्यादा करने के लिए, इसको भी हम खोल के बाहर निकालेंगे। अरे ये आपका ओवर हीटिंग थर्मोस्टार है। देखो इधर से हमारा फेज न्यूट्रल इन होता है, डायरेक्ट फेज न्यूट्रल इन होता है, और उधर से आउट होता है फेज न्यूट्रल। उसके सीरीज में वो थर्मोस्टर रहता आपका रेगुलेटर वाला, उसके बाद आपका ये इंडिकेटर का पॉइंट पैरेलल में है, और ये आपका एक इंडिकेटर का पॉइंट है, और ये आपका हो गया रेगुलेटर थर्मोस्टर। ये ओवर हीटिंग थर्मोस्टार है, इसका नीचे छोटा सा एक पुश बटन रहता है, जब ओवर हीट होता है वो पुश बटन ऊपर चला आता है, उसका दवा देने से ये ठीक हो जाता है। ये ऊपर चला आया था, हम दवा दिया, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे ये थर्मोस्टार ठीक है कि नहीं ये वाला।
जब आपका जो रेगुलेटर वाला थर्मोस्टार है वो जब ख़राब होता है तो ओवरलोड वाला थर्मोस्टार टिप हो जाता है। ये दो हीटर एलिमेंट का पॉइंट है। अब हम सीरीज लाइन देके हीटर एलिमेंट को एक बार चेक करेंगे ठीक है कि नहीं। अब हम एलिमेंट को देख रहे हैं, एलिमेंट ठीक है, हीटर एलिमेंट हमारा ठीक है। अब थर्मोस्टार को हम चेक करेंगे, जो ओवरलोड थर्मोस्टार है वो आपका जो मिक्सी का पीछे में जो रहता है ना ओवरलोड स्विच, इसका सेम ही काम है इसका। जब हीटर ओवरलोड होगा तो ये थर्मोस्टार ऑटोमेटिकली आपका टिप हो जाए था। ये थर्मोस्टेट ठीक है, सीबी ओवरलोड से इसका ऑटो काट हो गया था। अब हम रेगुलर वाला थर्मोस्टेट को देखेंगे। ये भी ठीक है, अब हम इसको फिटिंग कर देंगे। ये वाला थर्मोस्टेट ऑटो काट हो गया था इसलिए पूरा बंद हो गया था गीजा। चलो फ्रेंड्स, आपको हम ड्राइंग करके दिखा देते हैं इसका वायरिंग कैसे होता है। ये वाला आपका ओवरलोड थर्मोस्टार है ठीक है। इधर से आपका 230 वोल्ट इनपुट होता है, ये वाला फेस है लाइन, और वो वाला न्यूट्रल है, फेस न्यूट्रल इनपुट होता है। इधर से आउट होता है फेस न्यूट्रल ठीक है। इधर से आउट होकर आपका ये रेगुलेटर वाला जो थर्मोस्टार है इसमें इन होता है, सिर्फ फेस वाला इन होता है, फेस आउट होता है। ओके, आपका हीटर एलिमेंट में आता है लाइन इसमें यार। इधर ही एक इंडिकेटर पैरेलल में लग जाता और न्यूट्रल आपका डायरेक्ट आ जाता है हीटर एलिमेंट में, और इधर ही एक का इंडिकेटर पैरेलल में लगा देते हैं ठीक है। आप इधर आपका एक एलईडी रहता इंडिकेटर पैरेलल में। एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ फ्रेंड। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना और एक लाइक कर देना। पावर आ गया, ऑटो कट में है, चालू हो गया। हम ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, पानी नहीं है इसमें।